मंत्री की हर अपडेट दीजिए, मगर पीपलदा विधानसभा सु चेतन पटेल कोरोना तो स्थानीय उम्मीदवार से लगातार क्षेत्र की जनता मांग कर जाएगा चेतन पटेल कोरोना ने टिकट खरीद मिलो टिकट तो कराने में लगा, मगर चेतन पटेल को विशेष नाम तो चर्चा में क्योंकि पूरे राजस्थान का भाई साहब कि कोरोना को नाम जब खज डोगरे डाकरा भी खजा तो यार खां को तो भाई पटेल कोरोना पटेल तो अब चेतन पटेल कोरोना अब वन टिकट कांग्रेस पार्टी से फाइनल हो चुकी हो बात रहा चेतन जी फली बात हो यो माहौल दिखाओ को भी माहौल दिखाओ या जनता दिखाओ ये जनता ताई लगातार स्थानीय की मांग थी युवा चेहरों से दमदार से धमाकेदार और पिछला जब से चुनाव लड़ा निर्दलीय उस समय भी ताना दुंदड़ा खार दिया निश्चित रूप से ये पीपलदा के लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मतलब एक अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाला पल है ये, क्योंकि पीपलदा अपने आप में बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रहा है कि यहाँ का कोई स्थानीय आए उनके बीच में जिनसे सीधा वो लगाव रख सके, सीधा वो जुड़ाव अपनापन झलक सके। तो ये मैं ऐसा समझता हूँ कि पीपलदा के लिए अपने आप में बहुत भावुक कर देने वाला पल है और मैं समस्त पीपलदा ग्रामवासियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ, शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे पर विश्वास जताया और मुझे इस बार विधानसभा में उम्मीदवार बनने का मौका दिया। जैसे ही टिकट फाइनल हुए था को फटाका चाह रहे इतना चाह रहे थे दुआड़ी आ चुके भाई साहब, ये माहौल गई था आज दीपावली का नए माहौल हो रहे जो। तो चेतन जी इस क्षेत्र की जनता जो ग्रामीण क्षेत्र पिछड़े वंच लगातार था ना मुद्दा उठा तो रोज पिछले 5 साल हो गया मैंने मुद्दा उठा था गाँव का, तो ग्रामीण क्षेत्र पर कई फोकस रहोगा चेतन पटेल को लाना होगा ग्रामीण सेवक ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल मैं काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहा हूँ, एक एक गांव में इतनी बार घूम चुका हूँ कि अब तो गांव में नहीं गांव की गलियों गलियों तक भी मैं पहुँच चुका हूँ। तो मेरे को हर एक गली गली का गांव के दूर जहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाता उस गांव तक भी मैं पहुँच चुका हूँ और मेरे को सभी गाँव की करीब करीब सभी समस्याएँ पता है, पर फिर भी अब लोगों के बीच में जुड़ेंगे लगेंगे उनकी समस्याओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी जनप्रतिनिधि हूँ और आपने कहा पूर्व में आप निर्दलीय लड़े थे, हाँ तो निर्दलीय था मैं और ये तो जीवन है संघर्ष है सीखते जाओ। मैं सभी युवाओं को सभी साथियों को आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा जीवन है संघर्ष है गेम है इसको सीखते जाओ आगे बढ़ते जाओ और बिना किसी लोड के आगे बढ़ते जाओ। चेतन जी मैच को हमारे वर्ल्ड कप में मैच तगड़ा चाह रहे थे था वो मैच भी टिकट को तगड़ो ही जो खदीखी को नाम आज रात में जहर फाइनल डिक्लेयर हो मैच रोमांचक चो ये रोमांचक मैच पे कहो आपको ये तो एक फिल्म है, फिल्म में जितना तगड़ा सस्पेंस रहेगा जब तक आखिरी तक जितना सस्पेंस रहेगा उतनी मूवी हिट होएगी और निश्चित रूप से अब सस्पेंस खुल गया, सब्र का फल मीठा होता है, सभी ने इतना सब्र जताया इतने कोशिश करी इतने मतलब आखिरी तक रुके रहे जिसके सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी समस्त ग्रामवासियों को मेरे सभी शुभचिंतकों को बहुत बहुत इस टिकट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ। चेतन जी आखिरी सवाल रामनारायण जी मीणा जो सिटिंग विधायक हैं वो टिकट भी कटी हो सीनियर नेता थे काफ़ी और आरोपी के एक वरिष्ठ नेता भी थे मीणा समाज का भी और एक टिकट कट चुकी हूँ तो अब यह बताओ आप क्योंकि कहीं चेतन जी पटेल को ना रामनारायण जी मीणा के पास जाओगा। देखिए मेरे को मतलब ये एक कहना उचित नहीं होगा कि उनका टिकट कट गया, उनका टिकट कटा नहीं है, वो निश्चित रूप से अब वरिष्ठ है पार्टी के वरिष्ठ है और बहुत अनुभवी भी है, एक उम्र हो गई है अब मतलब मैं ऐसा समझता हूँ कि मतलब अब मेरे को निश्चित रूप से पूरा विश्वास आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि उनका पूरा आशीर्वाद हमारे ऊपर रहेगा और उनका अनुभव निश्चित रूप से पार्टी के लिए आगे भी काम करता रहेगा और हमारे को भी वो अपना अनुभव साझा करते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहेंगे और निश्चित रूप से इस तरीके का कोई नहीं है। तो पॉलिटिक्स है राजनीति है गेम है, गेम खेलना है, इसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उनका टिकट कटना ये मतलब ये कहना उचित नहीं है, वो पार्टी ने सर्वे के आधार पे भी टिकट दिया और उनकी उम्र भी काफी ज्यादा हो गई, इस आधार पे हो सकता है कि इस बार पार्टी ने उनको रिपीट नहीं किया हो। तो चेतन जी तो एक सवाल आखिरी हो चाहे आप सुन टिकट हो गया फाइनल खाल 6 तारीख लास्ट से सुमूर्त बता दी जनता ताई जो तैयार हो सुबह सबसे पहले तो नामांकन भरेंगे 11 बजे जैसे ऑफिस खुलता है रिटर्न अधिकारी ऑफिस में कार्यालय पे जाके नामांकन भरने के बाद अपना सभी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे जनसंपर्क चालू करेंगे सभी से मिलेंगे। तो नहीं सबसे पहले नामांकन डायरेक्ट आखिरी डेट है तो मैं मेरी खुद की इच्छा है कि सिंसियरिटी के साथ बिना किसी लापरवाही के सबसे पहले नामांकन भरेंगे। ये चेतन पटेल जी को लाना था ना विस्तार बातचीत करी और मुहारो दी गोलाल माहौल दिखाई तक नहीं आपको या खुशी से जनता की मुहारो दी गोलाल जय हिंद जय भारत धन्यवाद।